आजीवन इस परिवार के लिए बेटा बन के हूँ, इस घर का बड़ा बेटा। क्या भाई क्या उठाई? नहीं नहीं, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों लगातार भोजपुरी कलाकार लोग आकांक्षा दुबे के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों को सांत्वना दे रहे हैं, इसी बीच पवन सिंह पहुंचकर और उनके परिवार वालों को बहुत बड़ी सांत्वना दी। और देखिए कुछ कहा वीडियो में, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हमेशा परिवार में लगे रहना, बात करना सब परिवार से, बस खेल के रहना। हाँ ये तो है, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा दुखदायी होगा हंसा देते थे। अगर आप दुख में है तो हंसाने हो जानते थे, मैंने वो आपके दुख को हर लेते थे। ये मानिए कभी कहीं डेट का प्रॉब्लम, तो इतना सम्मान मेरा करती थी भाया भाया आता था कि सर को पता ना चले कि हम डेट नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम है चाहे कुछ। मैं बोलता था नहीं बेटा, ये आपका ही है, आप अपने हिसाब से ये करिए। आप ये मत सोचिए कि आप बिजी हैं तो हमको बुरा लगेगा। क्यों क्यों बुरा लगेगा, भगवान करे कि आप बिजी रहें। तो वो उधर से चल रहा है ना सर, तो का कुछ नहीं, चिंता मत करिए, प्रशासन आपके साथ है जी भैया, ये आप लोग न्याय आपके साथ है जी जी। बगैर आप लोगों के सहयोग से प्रशासन भी नहीं सहयोग कर पाए, लेकिन आप लोग हम सब लोग जो है वो आए हैं, हम बेटा बन के आए, हम बेटा हैं जी, ऐसा थोड़ी है। वो हमारे परिवार की बच्ची थी जी भैया, ये अलग की बात है, इन्होंने पैदा किया, जन्म दिया है, ये अलग की चीज है। इस परिवार से, माता से, पिता से, दोनों भाइयों से मेरा ये है कि हम आज पुछारो करने नहीं आए, इस घर का सदस्य बन के आए हैं। मैं आजीवन इस परिवार के लिए बेटा बन के हूँ, इस घर का बड़ा बेटा। क्या भाई क्या उठाई? नहीं नहीं, ये सब इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं प्रचार करने आया हूँ, ना ही मुझे ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैं फॉर्मेलिटी करना नहीं है कि आज आ गया उसके बाद, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये सपने में भी नहीं था कि ऐसा हो, क्या बोला जाए। बट अब तो जो नहीं होना था हो गया। मैं सिर्फ इस घर का बेटा बन के आया।